नमस्कार, मैं राम अवतार आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वयं पाठी विद्यार्थी हूँ, लेखा शास्त्र कक्षा 12, प्रश्न 42। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी का दायित्व कितना होता है? उत्तर, साझेदारी व्यवसाय में साझेदार का दायित्व असीमित होता है। प्रश्न 43, साझेदारी व्यवसाय में साझेदार किन दायित्वों के लिए उत्तरदायी होता है? उत्तर, साझेदारी व्यवसाय में साझेदार संयुक्त या पृथक दोनों दायित्वों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न 44, क्या साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व होता है? उत्तर, नहीं, साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म के साथ साथ साझेदार पर भी संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। प्रश्न 45, साझेदारी के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से हैं? उत्तर, साझेदारी के प्रकार 4 होते हैं, जो निम्न हैं। 1, दायित्व के अनुसार। 1A, सीमित दायित्व साझेदारी। 1B, असीमित दायित्व साझेदारी। 2, समयानुसार साझेदारी। 2A, निश्चितकालीन साझेदारी। 2B, अनिश्चितकालीन साझेदारी। 3, उद्देश्यानुसार साझेदारी। 3A, ऐच्छिक साझेदारी। 3B, विशेष साझेदारी। 4, वैधता के अनुसार साझेदारी। 4A, वैध साझेदारी। 4B, अवैध साझेदारी। प्रश्न 46, दायित्व के अनुसार साझेदारी के भेद लिखो। उत्तर, 1, सीमित दायित्व साझेदारी। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है तथा शाश्वत जीवन है, जिसकी सार व मुद्रा है, जो सीमित दायित्व पर आधारित है। सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। साझेदारों की निजी संपत्तियों पर फर्म का कोई अधिकार नहीं होता है। 2, असीमित दायित्व साझेदारी। जिस साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात जब फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो ऐसे साझेदारी असीमित दायित्व साझेदारी कहलाती है। प्रश्न 47, समयानुसार साझेदारी के भेद लिखो। उत्तर, 1, निश्चितकालीन साझेदारी। ऐसे साझेदारी जिसकी स्थापना निश्चित समय के लिए की गई हो, निश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है तथा उस समय के समाप्त होते ही साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। 2, अनिश्चितकालीन साझेदारी। ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना निश्चित समय के अनुसार नहीं की जाती है, अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। प्रश्न 48, उद्देश्यानुसार साझेदारी के भेद लिखिए। उत्तर, 1, ऐच्छिक साझेदारी। यदि सभी साझेदार निश्चित अवधि की साझेदारी की अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो वह साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। 2, विशेष साझेदारी। किसी विशेष कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित साझेदारी विशेष साझेदारी कहलाती है। उद्देश्य के पूर्ण होने पर ऐसी साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रश्न 49, वैधता के अनुसार साझेदारी के भेद लिखिए। उत्तर, 1, वैध साझेदारी। देश में प्रचलित नियमों के अनुसार स्थापित साझेदारी वैध साझेदारी कहलाती है। 2, अवैध साझेदारी। यदि प्रचलित नियमों के अनुसार साझेदारी स्थापना नहीं हो, तो ऐसी साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाती है। प्रश्न 50, किन दशाओं में साझेदारी अवैध कहलाती है? उत्तर, निम्न दशाओं में साझेदारी अवैध कहलाती है। 1, जबकि साझेदारी का उद्देश्य गैर कानूनी हो। 2, जबकि साझेदारों की संख्या 2 से कम हो जाए और 50 से अधिक हो जाए। 3, जबकि साझेदारी का व्यापार लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। 4, जबकि शत्रु राष्ट्र का नागरिक साझेदार बना दिया जाए। प्रश्न 51, साझेदारी संलेख क्या है? उत्तर, साझेदारियों के मध्य
लिखित समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। प्रश्न 52, साझेदारी संलेख में किन किन बातों को शामिल किया जाता है? उत्तर, साझेदारी संलेख में निम्न बातों को शामिल किया जाता है। 1, फर्म का नाम व पता। 2, साझेदारों के नाम व पते। 3, साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति व कार्य क्षेत्र। 4, लाभ विभाजन अनुपात। 5, साझेदारों की पूंजी। 6, पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। 7, आहरण की राशि। 8, आहरण पर ब्याज के संबंध में प्रावधान। 9, फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि। 10, साझेदारों को देय वेतन, बोनस, कमीशन आदि। 11, खातों का अंकेषण। 12, साझेदारी की अवधि। 13, साझेदारों के ऋण व उस पर ब्याज की दर। 14, पूंजी खाते रखने की विधि। 15, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य व दायित्व। 16, विवादों के निपटारे की विधि। 17, नए साझेदारों के प्रेस पर प्रावधान। 18, नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण करने, मृत्यु होने व लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का मूल्यांकन व लेखा। 19, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु, हिसाब व निपटारे की विधि। 20, फर्म के समापन की विधि व प्रस्तुतियाँ। 21, फर्म के समापन पर हिसाब के निपटारे की विधि। 22, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर गार्नर वाज मरे नियम का प्रयोग। प्रश्न 56, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू आने वाले नियमों को लिखिए। उत्तर, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम निम्नलिखित हैं। 1, लाभ विभाजन अनुपात। साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन समान अनुपात बराबर बराबर होगा। 2, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। 3, आहरण पर ब्याज, साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर फर्म ब्याज नहीं लेगी। 4, साझेदारों को पारिश्रमिक वेतन, कमीशन आदि नहीं दिया जाएगा। 5, साझेदारों के ऋणों पर ब्याज 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। 6, प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन व प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। 7, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने, निरीक्षण करने व उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। धन्यवाद।